जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है, आज हम लोग इसका पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट्स के बारे में, ब्रेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। सेकंड पॉइंट क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज 15 टू 20 मेमोरी नोड्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स मेमोरी एलोलाई। ये देखिए, क्लस्टर ऑफ सेल्स मेमोरी एलोलाई। ओके, द सेल्स ऑफ एलोलाई सेक्रीट्स मिल्क। जो सेल ऑफ एलोलाई क्या कर रहा है, सेक्रीट करने का काम कर रहा है, किसको, मिल्क को। इट इज स्टोर्ड इन द कैविटीज यानी कि जो कैविटी है ह्यूमन की, जो कैविटी है वहां पे क्या स्टोर फॉर्म में है, ऑफ एलोलाई, एलोलाई के स्टोर फॉर्म में। ओके, तो आप देखिए यहां पे दिया है डायग्राम में, निपल है, एरियोला है, लैक्टिफेरस डक्ट्स है, लैक्टिफेरस साइनस यानी कि मेमोरी एम्बुला प्रेजेंट है। फिर इसके बाद लोब्यूल्स है आपके, लोब्स है। फिर सस्पेंसरी लिगामेंट यहां पे प्रेजेंट है, पेक्टोरल फैट ऐड है यहां पे, पेक्टोरलिस मेजर मसल है यहां पे, ठीक है ना। यहां पे देखिए मेमोरी एलोलाई है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, मेमोरी डक्ट्स है, यानी कि स्टेट भी अभी हम देखेंगे आपके। ओके, सेकंड स्टेप पे देखिएगा, द एलोलाई ओपन टू, एलोलाई ओपन होता है कहां पे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ओके, नेक्स्ट है द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंट टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइंट टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्बुला व्हिच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट्स थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट, यानी कि बच्चा क्या करेगा, सक करके मिल्क को इजेक्टेट कर लेगा। देखिए स्टेप में देखिए क्या है, पहले मेमोरी एलोलाई, नेक्स्ट देन मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट्स, देन मेमोरी एम्बुला एंड लास्ट स्टेप है लैक्टिफेरस डक्ट्स में मिल्क पहुंचता है और नेक्स्ट स्टेप में होगा मिल्क इज सक्ड बाय बेबी। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पे डायग्राम में दिखाया गया है